वर्षा ऋतु आने के पूर्व निगम भिलाई क्षेत्र के सभी छोटे बड़े नालों की यथास्थिति से अवगत होने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे नालों का निरीक्षण कर रहे हैं। निगम महापौर नीरज पाल के निर्देशानुसार सभी नालों की सफाई बारिश पूर्व की जानी है, जिसके लिए निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। नगरपालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कोसानगर क्षेत्र में तथा बारिश के पूर्व सभी नालों की सफाई के निर्देश अधिकारियों को दिए थे, जिसकी पुष्टि करने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे कोसा नाला क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने यहां चल रहे नाला सफाई के कार्य को देखा और बरसात के पूर्व क्षेत्र के सभी छोटे बड़े नालों को यथासंभव उचित उपकरणों के साथ जल्द से जल्द साफ सफाई करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे लगातार सभी कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं, ताकि किसी भी कार्य में कोई अवरोध पैदा न हो और कार्य तेज गति से समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जा सके। निगम आयुक्त ने कोसा नाला के पूरे रूट को देखा, लोगों से मुलाकात कर उन्होंने किन किन क्षेत्रों में जल भराव होता है इसकी जानकारी ली। आयुक्त ने कोसानगर के अलावा सुपेला थाना के समीप नाले का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल के निर्देश पर निगम क्षेत्र के छोटे बड़े नालों की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। बारिश पूर्व सभी नालों की सफाई प्रारंभ कर दी गई है। चेन माउंटिंग लगाकर बड़े नालों की सफाई भी की जा रही है, ताकि शीघ्रता के साथ नालों से कचरा निकाला जा सके और बारिश का पानी सुगमता से प्रवाहित हो सके। देखिए, एक्चुअल में आयुक्त महोदय के निर्देश थे कि जितने भी ऐसे जल भराव क्षेत्र हैं जो बारिश के दिनों में जिनमें समस्याएं होती हैं, कई मोहल्लों में ऐसे पानी भरने की शिकायतें हो जाती हैं, डुबान क्षेत्र होते हैं जिसमें ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है उसके निरीक्षण कर, उसके सर्वे कर, इसकी सूची बनाने के निर्देश माननीय आयुक्त महोदय ने दिए थे। साथ ही जितने भी नाला और बड़े नाला हो चाहे छोटा नाला हो, इसकी सफाई के निर्देश भी माननीय महापौर जी ने दिए थे। इसी तारतम्य में जो है कोशानगर का जो बेल्ट है, जो निचली बस्ती और डुबान क्षेत्र में आता है, तो इस बस्ती का निरीक्षण माननीय आयुक्त महोदय ने किया। वहाँ पर जो कोसा नाला का जो रूट है वो कहाँ तक जाता है, किन किन बस्तियों से होकर गुजरता है, इसका निरीक्षण माननीय आयुक्त महोदय ने किया है और नाला सफाई प्रारंभ कर दी गई है। जहाँ पे जैसे संसाधन हो सकते हैं उसके माध्यम से नाला सफाई की जा रही है। अभी जो बड़े नाले हैं उसको चैन माउंटेन के माध्यम से सफाई जारी है, ताकि जितने भी वो कचरे हैं या फिर जो फ्लो नहीं बहता है जिनके वजह से रुकावटें होती हैं, उन सभी को हटाया जा रहा है और बारिश के दिनों में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। कोसानगर में निचली बस्ती होने के कारण पानी भराव की संभावना अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र के नालों को प्राथमिकता के साथ साफ सफाई कराया जा रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।